आईपीएल सीजन 11 में दो साल बाद अपने घर वापसी करने वाली राजस्थान रॉयल्स ने छठवें मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स को पछाड़कर जीत का सिलसिला दिल्ली के विरुद्ध जारी रखा। हालांकि मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा था। इस मैच में दिल्ली को मिली ये हार उनकी सीजन की लगातार दूसरी हार है, जबकि राजस्थान ने सीजन 11 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 5 विकेट पर राजस्थान ने 153 रन बनाए थे कि तभी बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। मैच लगभग 2.5 घंटे बाद शुरू हुआ और तब दिल्ली को डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से 6 ओवर में 71 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया। दिल्ली की टीम इसके जवाब में 4 विकेट पर 60 रन ही बना सकी। रॉयल्स की ओर से बेन लॉगलिंग ने 20 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वहीं कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंद में 5 चौकों की मदद से 45 रन की पारी खेली। संजू सैमसन और जॉस बटलर ने भी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी। दिल्ली की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम ने 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बल्लेबाजी में ऋषभ पंत और ग्लेन मैक्सवेल के चौके छक्कों ने दिल्ली की उम्मीद बढ़ाई, पर उनकी ये कोशिश डेयरडेविल्स को जीत नहीं दिला सकी। दिल्ली की टीम निर्धारित 6 ओवर में सिर्फ 60 रन ही बना सकी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।